एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो रेसिपी मैं लेकर आई हूँ वो है हमारी गार्लिक और टमाटो की चटनी, जो बहुत ज़्यादा सिंपल है और इसे आप आराम से एक महीना स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से इसकी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं 20 से 25 लहसुन की कलियाँ ले रही हूँ। इसके साथ मैं ले रही हूँ 2 हरी मिर्च और 1 इंच टिकड़ा हमारे अदरक का और 3 मीडियम साइज के टमाटर। ये रेशियो आप याद रखें। तो बस ये सारी चीज़ों को हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे जाता है हमारा टमाटर। टमाटर के बाद बारी आती है हमारी लहसुन की। लहसुन के बाद इसमें हम डाल रहे हैं 2 हरी मिर्च और 1 टुकड़ा हमारा अदरक का। इसके बाद कश्मीरी लाल मिर्च 2 चम्मच और हमारा स्वाद अनुसार नमक। देखिए कितने अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है सारी चीज़ों का। और इसके बाद इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा जीरा। तो बस पानी आप ऐड करना चाहे तो कर लीजिए और इसे फटाक से हम क्या कर लेते हैं, ग्राइंड कर लेते हैं। तो इसे हम मैंने ग्राइंड कर लिया है और अब क्या करना है वो बताती हूँ। एक पैन ले लेते हैं और पैन को गर्म कर लेते हैं। अगर आपको इसे स्टोर ज़्यादा टाइम के लिए करना है ना, तो इसे इस तरीके से हम फ्राई करके रख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 4 चम्मच तेल। थोड़ा सा तेल ज़्यादा लगेगा क्योंकि इसे हम लंबे टाइम तक के लिए रखना चाहते हैं, तो ये हमारा मसाला अच्छे से भुन जाए। और अब जाएगी इसमें हमारी मस्टर्ड सीड्स। ये फटाफट से क्रैकल हो गई हैं, तो इसी के बाद मैं इसमें डाल देती हूँ हींग। तो बस इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको स्टोर करना है तो इस तरीके से फ्राई करके आप रखिए। और बस इसमें अब हम डाल देते हैं हमारी गार्लिक और टमाटो की चटनी और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे हल्का सा भूनेंगे। इसकी खुशबू से पता चल जाएगा कि ये हो गया है। और अगर आपको इंस्टेंट यूज़ करना है तो बिगड़ चुके आप इसे यूज़ कर लीजिए, 3 से 4 दिन वो भी चलती है। लेकिन अगर आपको महीने भर चलाना है तो ये प्रोसेस फॉलो करेंगे ना, तो हमारी चटनी ज़्यादा टाइम के लिए भी आराम से चलेगी। तो बस इसे 3 से 4 मिनट हम पकाते हैं। 3 से 4 मिनट हो गए हैं हमारे। तो देखिए पूरा तेल, एक्स्ट्रा तेल निकल गया है पूरा। तो मतलब जो हमारी चटनी है ना, ये बिल्कुल रेडी हो गई है। तो इसे आराम से ठंडा होने दीजिए और इसके बाद इसमें क्या करिए, एक एयर टाइट बर्तन में या कोई भी ग्लास की बर्नी में इसे रख दीजिए फ्रिज में। तो आराम से 15 से 20 दिन आराम से इसे यूज़ कीजिए और इसे किसी के साथ भी खाइए, पराठों के साथ, पूड़ी के साथ, डोसे के साथ, पकौड़े के साथ। बट उसके पहले चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर फ्रेंड्स एंड योर फैमिली। जब तक बी सेफ, बी हेल्दी एंड टेक केयर।